किसान देखिए, प्रियंका गांधी यहाँ पर आई, उन्होंने भाषण में अपने तमाम वो जनहित के मुद्दे उठाए हैं जो यहाँ पर तमाम भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व आया उन्होंने नहीं अछूता छोड़ा है, उन्होंने तमाम ये मुद्दे उठाए। किसान देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कूड़ा स्टार प्रचारक एक तरफ और एक तरफ प्रियंका गांधी, अकेली सब पर भारी पड़ती हैं, इसलिए क्योंकि वो जनता के मुद्दे उठाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक यहाँ आए और उत्तराखंड की जनता को टहलाकर घुमाकर चले गए, टोपी पहनाकर चले गए, नए नए जुमलों की बौछार करके चले गए, आगे का टारगेट दे के चले गए कि अगले 5 साल में वो क्या करेंगे, पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा नहीं। प्रियंका जी ने यहाँ आकर जो गर्जी हैं और जो अंकिता भंडारी से लेकर अग्निवीर योजना पर बरसी हैं मोदी जी को लेकर, जो दैवीय आपदा से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती घोटाले से लेकर तमाम बातों पर मुखरता से उन्होंने अपनी बात रखी है, वो हैं उत्तराखंड के मुद्दे। यहाँ का जवान, यहाँ की महिला, यहाँ का किसान जो सुनना चाहता था वो कहकर गई हैं प्रियंका गांधी। और दुष्यंत गौतम हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, तमाम तरह की बहलाने फुसलाने वाली जलेबी की तरह घुमावदार बातें यहाँ करके चले गए। वो प्रियंका गांधी हैं जिन्होंने मुद्दों पर चोट करी है और जिन्होंने असल मुद्दे, चाहे जोशीमठ भूदशा हो, सिलक्यारा टनल हादसा हो, चाहे बढ़ती घोटालों में किस तरह से युवाओं पर बर्बरता की गई, कैसे अंकिता भंडारी की नृशंस हत्या की गई, किस तरह से यहाँ केदारनाथ से सोना चोरी हुआ, किस तरह से यहाँ आप देखिए कि किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया और उनको समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, ये जो अग्निवीर की बातें हैं, ये जो महंगाई और बेरोजगारी की बातें हैं, यही बात हम प्रधानमंत्री के मुंह से सुनना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी का ब और अंकिता भंडारी और अग्निवीर का अ बोलने तक की गुंजाइश नहीं छोड़ी।